नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल चौहान आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। चलिए जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। बेटा आप लोगों की जो भारतीय इतिहास की क्लास है ये शुरू हो चुकी है और हम लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण MCQs वगैरह जो आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। और बेटा जिसने भी अभी तक दीप्ति सिंह एकेडमी और MPPSC DSA वाले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा जल्दी से आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को इन दोनों पर मिल सके, ठीक है। और ये जो MPPSC DSA वाला चैनल है ये स्पेशली बेटा आप लोगों के लिए MPPSC के लिए बनाया गया। यहाँ पर आप लोगों को सभी के सभी जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं, है ना। तो इसकी यदि आप लोगों को PDF चाहिए, है ना, चाहे वो आप लोगों की 9 से 10 ज्योग्राफी की क्लास, 11 से 12 जो आप लोगों की पॉलिटी की क्लास लगती है, अभी जो आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास है, इसके अलावा आप लोगों की MP या फिर आप लोगों की भाई टेक्नोलॉजी साइंस की क्लास लगती है, इसकी सभी की जो PDF है ये आप लोगों को बेटा दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और बेटा दीप्ति सिंह एकेडमी को पता है आप लोगों को भाई नाममात्र की फीस पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्कृष्टता का अवार्ड भी मिला है, ठीक है। चलिए तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा कि भगवान शिव के, है ना, 18 अवतारों में से किसे गिना जाता है, वो इज द काउंटेड अमंग द 8 क्रिएशंस ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना। तो आप लोगों को बताना भगवान शिव के 18 अवतारों में से किसको गिना जाता है, ना भैरव को गिना जाता है, वसुगुप्त को गिना जाता है, मतेंद्रनाथ को या फिर नकुलिश को। तो बेटा याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, है ना, नकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक गिना जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक पुराण है बेटा, कौन सी पुराण है आप लोगों की, चामन पुराण, टोटल 18, इसमें चामन पुराण में शिव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय बताना इसमें सबसे प्राचीन है, है ना, कपालिक है, कालामुख है, पाशुपत है या फिर आप लोगों का बेटा नाथ है, जल्दी से बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा। जी हाँ, चलिए सभी को जय हिंद बेटा। जी हाँ बेटा, जय हिंद। हाँ बेटा बताओ जल्दी से। देखो चामन पुराण में जो शिव संप्रदाय की संख्या बेटा जो 5 हैगी, इनमें जो सबसे प्राचीन है वो है आप लोगों का कौन सा, पाशुपत, है ना, कौन सा बेटा, पाशुपत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, है ना, पाशुपत इज द राइट आंसर। तो आप लोग याद रखें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आप लोगों का, पाशुपत। नेक्स्ट चलिए 16 महाजनपद ये बताना, 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी हम लोगों को कहां से प्राप्त होती है, 16 महाजनपदों की जो जानकारी है, डू यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट 16th महाजनपद फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्सेस, है ना। तो भाई ये कुछ बौद्ध ग्रंथ है, है ना, तो इन बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथ भी इसमें, तो कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भाई आप लोगों को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आप लोगों का अगुंतर निकाय, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 16 महाजनपद। तो देखो बेटा जिस समय भारत में 6th BC का समय था, है ना, 6th शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय चल रहा था, इस समय पूरे भारत में भाई 16 महाजनपदों का क्या हुआ था बेटा, उदय हुआ था। भारत पूरा 16 बड़े बड़े महाजनपदों में क्या था, विभक्त था, है ना। और इन 16 महाजनपदों की जो जानकारी हुई है ये बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के वस्तु में हम लोगों को देखने को मिलती है। और इनमें से 16 महाजनपदों में से भाई 2 ऐसे महाजनपद हैं जो मध्य प्रदेश में भी स्थित है, है ना, कौन कौन से हैं, तो एक आप लोग याद रखना चेदी, और इसकी कैपिटल हुआ करती थी शुक्तिमती। आधुनिक बुंदेलखंड राज्य का ये अभी वर्तमान का खजुराहो वाला पार्ट, आधुनिक बुंदेलखंड राज्य खजुराहो वाला जो भाग है ये, और दूसरा याद रखिए, दूसरा है आप लोगों का अवंती। और इस अवंती की दो राजधानियां हुआ करती थी, दो भागों में बटी थी ये, एक था आपका उत्तरी अवंती
और एक था आपका दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की कैपिटल भाई हुआ करती थी क्या, उज्जैनी, वर्तमान का उज्जैन ही है। और दक्षिणी अवंती की कैपिटल हुआ करती थी बेटा महिष्मती, आधुनिक महेश्वर के नाम से इसको जाना जाता है ना। तो आप लोग ये देखिए, उज्जैन, महेश्वर, बुंदेलखंड है ना, खजुराहो, ये वाले जो भाग हैं ये अभी आप लोगों को भाई वर्तमान में कहाँ देखने को मिलेंगे, एमपी में है ना। तो 16 महाजनपदों की जो जानकारी है बेटा, ये बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, अगुंतर निकाय इज द करेक्ट आंसर है ना। तो 16 महाजनपद आप लोग याद रखना है ना, 16 महाजनपद हुआ करते थे, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल्य, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज है ना। और इनमें जो सबसे पावरफुल महाजनपद हुआ करता था वो मगध हुआ करता था, कौन सा, मगध। और इसी मगध के ऊपर बेटा तीन राजवंशों ने शासन करा है ना। तो तीन अलग अलग राजवंश आए थे, उन्होंने क्या करा था यहाँ पर, रूल करा था। जैसे भाई मगध पर जो सबसे पहला राजवंश हुआ था उसको हर्यक वंश कहा था है ना। राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयी, नाम सुनोगे आप लोगों ने, ये सब यहीं के शासक थे। फिर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश हुआ, और शिशुनाग के बाद जो वंश आया था उसको नंद वंश कहा था। और इसी वंश का जो सबसे अंतिम राजा था उसका नाम था राजा घनानन। और इसी घनानन को क्या करा था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मात्र 23 वर्ष की उम्र में पराजित करा था। और फिर इस मगध के ऊपर एक नया राजवंश उभर कर आया था जिसको क्या कहा गया था, मौर्य। मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, क्योंकि कहा जाता था 1,90,000 की सेना लेकर क्या करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण उत्तर भारत को रोन डाला था, और भाई उस क्षेत्र पर अधिकार करा था। वो भारत का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट बना था जिसका नाम था आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था बेटा, इसका संस्थापक रहा था, ठीक है, किसका, मौर्य साम्राज्य का। फिर इसका पुत्र बिंदुसार, फिर उसका एक महान बेटा आया था जिसका नाम अशोक था है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखें, ये जनपदों के बाद स्थापित हुए थे ना। और मगध की महिमा हर्यकवंशी शासक बिंबिसार के समय शुरू हुई थी, बट गुप्त काल तक इसकी जो महिमा थी वो कमोवश बनी रही थी। तो भाई हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल, गुप्त काल है ना, तो इनके समय तक ये जो मगध था ये काफी उत्साहित हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बेटा सही है ना। चलिए अब आप लोगों को बेटा यहाँ पर ये महाजनपद दिए हुए हैं, गांधार, सूरसेन, वत्स, कौशल और अंग, और इधर बेटा इनकी कैपिटल दी हुई है, राजधानी दी हुई है। तो आप लोगों को सम्मिलित करनी है कि कौन सी किसकी राजधानी है ना। जैसे आप लोग देखोगे ये अंग, अंग की क्या है बेटा, कैपिटल चंपा। तो ऐसे देख लो ध, ध का कौन सा नंबर का चौथा, चलो इसमें तो चलो ऐसे ही इसमें ऑप्शन नहीं दिया, मैं बता देते हैं ना। देखो गांधार, जो गांधार है बेटा, ये गांधार की कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी है ना। तो आप लोगों की ऐसे याद रखो, गांधार जो था इसकी जो कैपिटल है ये क्या है, तक्षशिला। फिर दूसरा है सूरसेन, सूरसेन की हुआ करती थी बेटा मथुरा। इसके बाद वत्स, वत्स की हुआ करती थी बेटा कौशाम्बी। इसके बाद भाई कौशल, तो कौशल की हुआ करती थी श्रावस्ती। और यहां पर अंग, तो अंग की हुआ करती थी बेटा चंपा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है ना, जैसे तक्षशिला कौन से नंबर पर लिखा है बेटा, 5वें नंबर पर। मथुरा कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर है ना। कौशाम्बी दूसरे नंबर पर, और फिर आप लोगों का श्रावस्ती तीसरे नंबर पर, चंपा चौथे नंबर। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है ना। ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए हाँ, जय हिंद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन।
चलिए बेटा, तो ये 5, 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हर्यक वंश के किस शासक को कोणिक कहा जाता था, बताइए। हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसको कुणिक के नाम से जाना जाता था, है ना? तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक नाम से जाना जाता था? विच रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी इज कॉल्ड कुनिक, है ना? तो देखिए, जो राजा बिंबिसार हुआ करते थे बेटा, इसका नाम हुआ करता था शोणिक, है ना? तो इसको शोणिक के नाम से जाना जाता था। ये क्या इसका उपनाम है? वहीं पर उदयन को उदयभद्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है? और अजातशत्रु जो था इसको बोला जाता था बेटा कुणिक। तो आप लोगों से वही पूछा है ना? और ये तीनों के तीनों कौन है भाई? पुत्र है, पुत्र के हर्यक वंश के भाई राजा आएंगे। सबसे पहला राजा तो राजा बिंबिसार हुआ था, और इसी की हत्या करी थी किसने? अजातशत्रु ने, है ना? और अजातशत्रु की हत्या किसने करी थी? उदयन ने, है ना? तो ये हर्यक वंश है, इसमें अपने ही पिता की हत्या करके भाई शासक अगले बने थे, इसलिए ये जो हर्यक वंश है इसमें याद रखना, इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अपने ही पिता उनकी हत्या करके क्या करी थी इन्होंने? अपना राज्य स्थापित करा था। बिंबिसार ने अजातशत्रु की कर दी, अजातशत्रु ने उदयन की कर दी, फिर उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, इन्होंने भाई लगभग 412 ईस्वी तक क्या कर ईसा पूर्व तक शासन किया था। फिर एक अमात्य हुआ करता था शिशुनाग नाम का, उसने क्या करा भाई? जो हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक था नागदशक, इसकी क्या करी? हत्या करी, और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर हर्यक वंश का वो कौन सा शासक था जो कुणिक नाम से जाना जाता था? तो बेटा उसका आंसर है आप लोगों का अजातशत्रु। इसमें आप लोग याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अजातशत्रु है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर, बताना है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की क्या करी थी बेटा? स्थापना करी थी, है ना? तो बताइए आप लोग कमेंट करके, यदि आप लोगों को पता है तो, है ना? देखो मैं बता देता हूँ, है ना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का उदयन, है ना? ये उदयन, ये भाई अजातशत्रु का पुत्र हुआ करता था, और इसी ने क्या करी थी भाई? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर भाई क्या करा था? पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था, और फिर इसको अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र उदयन की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है? और ये जो पाटलिपुत्र है बेटा, इसका आप लोग एक चीज और याद रखना, इस पाटलिपुत्र को भाई पटना के नाम से जाना जाता है ना? और ये जो पटना शहर है या पाटलिपुत्र है, इसका जो निर्माण था ना, ये बेटा शेरशाह सूरी ने करवाया था आगे चलकर, है ना? तो थोड़ा सा ये भी याद रखिए, ठीक है? पाटलिपुत्र नामक नगर जो है ना, जिसको वर्तमान में पटना बोलते हैं हम लोग, बिहार में आता है ये। तो ये नगर किसने बसाया था? उदयन ने, निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो हैगा क, ठीक है? क। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन इज द करेक्ट आंसर। शिशुनाग वंश है ना, ये बताना है, शिशुनाग वंश का बेटा वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति क्या हुई थी? आयोजित की गई थी, और उसे काकवर्ण के नाम से भी क्या होता है बेटा? जाना जाता है। तो देखो, द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा है आप लोगों से, है ना? तो शिशुनाग वंश का उस समय कोई ना कोई राजा था, तो उसका नाम बताना आप लोगों को, है ना? कौन था भाई? शिशुनाग हुआ करता था, नंदीवर्मन हुआ करता था, कालाशोक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे बेटा कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में क्या हुआ था भाई? दूसरी जो तृतीय बौद्ध संगीति थी, है ना, दूसरी बौद्ध संगीति थी, इसका आयोजन। अब इसको कैसे याद रखना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग, है ना? जैसे ऐसे रा वे पाकु से, है ना? दूसरी पूछी है तो ये वे, ये पहली हो गई रा, ये वे दूसरी हो गई पा, तीसरी हो गई कु, चौथी हो गई। तो रा से हो गया आप लोगों का राजगृह, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। वे से हो गया वैशाली में, है ना? तो आप लोग ये देखा, ये वैशाली जो है इसमें दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी, है ना? फिर ये पास से हो गया आप लोगों का पाटलिपुत्र, और कु से हो गया कुंडलवन, है ना? और राजा याद रखने हैं तो शासक कैसे याद रखोगे? तो शासक से अका अक से याद रख लो, अका अक, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, है ना? और से हो गया आप लोगों का अजातशत्रु,
यानी कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी राजगृह में। कहाँ से हो गया आप लोगों का कालाशोक, है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोग जो दूसरी संगीति वैशाली कहाँ पर हुई थी, कालाशोक, और ये अ से हो गया आप लोगों का अशोक, और क से हो गया कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी, है ना। तो ये राजा हो गए, ये स्थान हो गया, है ना। तो आप लोग ये थोड़ा सा याद रखो। और यदि इस समय यदि आप लोगों को अध्यक्ष याद रखना है तो उसके लिए भाई एक ये स्टार्टिंग के ये याद रख लो, म स मो व से, है ना। म से हो गया महाकश्यप, स से हो गया शब्द कमीर, इसके बाद म से हो गया मुगली पुत्र तिस, और व से हो गया बेटा वसुमित्र। वसुमित्र जो थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना। और अश्वघोष नाम याद रखना, अश्वघोष जो थे ये चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ था भाई, काम हुए थे कुछ ना कुछ, है ना। जैसे काम याद रखना हो तो वो भी याद रख लो। कैसे याद रखोगे, जैसे पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी इसमें जो पीटक है इसकी स्थापना हुई थी। पीटक कौन से, दो पीटक बने थे, एक सुत्त पीटक और एक विनय पीटक, इसका संकलन किया गया था। सुत्त पीटक मतलब गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं ये सुत्त पीटक में, है ना। विनय पीटक यानी कि बौद्ध संघ में यदि प्रवेश लेना है तो उसको विनय पीटक में दिया हुआ है। तो ये जो दोनों पीटक थे ये पहली बौद्ध संगीति में बने थे जो 483 BC में हुई थी। दूसरा तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं का विभाजन हुआ था बेटा, जो बौद्ध भिक्षु थे इनका विभाजन हुआ था किसमें, दो भागों में। एक हुआ था स्थावीर में और एक हुआ था महासंदिद में। फिर जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसमें क्या हुआ था, तो इसमें याद रखना जो तीसरा पीठक है आप लोगों का अधिदम्भ पीठक जिसमें गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं इनका संकलन किया गया था, है ना। तो तीसरे में काम क्या हुआ था, अधिदम्भ पीठक का संकलन। और चौथा आप लोगों का बचा है चौथी बौद्ध संगीति में इस समय क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का विभाजन, है ना। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का बेटा, है ना। एक बटा था हीनयान में, एक बटा था महायान में, है ना। और ये जो हीनयानी होते हैं इनको ही वास्तविक बौद्ध धर्म बोला जाता है, क्योंकि इनके जो ग्रंथ हुआ करते थे वो बेटा पाली भाषा में हुआ करते थे, है ना। और गौतम बुद्ध के द्वारा जो भाई भाषा अपनाई गई थी वो पाली थी, और ये बुद्ध की प्रतीक पूजा करते थे। और इनके जो ग्रंथ थे वो पिटक कहलाए थे जो पाली भाषा में थे, तीन हैंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिदम्भ पिटक। वहीं पे ये जो महायान है, महायान संप्रदाय के जो लोग हुआ करते थे बेटा, इनके जो ग्रंथ थे उनको वैपुल्य सूत्र कहा जाता था, जो संस्कृत भाषा में थे, है ना। और महायान संप्रदाय के जो लोग हैं ये बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं भाई, ये भी याद रखना। और आप लोग बौद्ध धर्म में देखोगे तो मूर्ति पूजा का गौतम बुद्ध ने घोर विरोध किया है, क्योंकि बौद्ध धर्म में न तो ईश्वर को मानते हैं न तो वैदिक देवी देवताओं को माना जाता है, है ना। और भाई दूसरी जैसे वर्ण व्यवस्था हुई, जाति व्यवस्था हुई, छुआछूत हुआ, स्त्रियों की दशा हुई, है ना, बाल हत्या हुई, बाल विवाह हुए, इन पर भाई कठोर निंदा की गई है बौद्ध धर्म के द्वारा। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा का भी घोर विरोध किया गया, जैसे इस्लाम में भाई मूर्ति पूजा का घोर विरोध है, तो आप लोग इस्लाम में भाई कोई मूर्ति ही नहीं देख सकते हो, है ना। तो ऐसे ही ये जो महायान संप्रदाय के जो लोग थे ये क्या करते थे, अपोजिट चलते थे, मना करके गए गौतम बुद्ध, बट इन्होंने क्या करा, बुद्ध की विशालतम मूर्तियां बनाना शुरू करी। और आप लोग ये देखो कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। वो कनिष्क के शासनकाल में क्या होता है, जब बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक हीनयान और एक महायान, तो भाई जो कनिष्क था इसने महायान शाखा को क्या दिया था, संरक्षण दिया था, है ना। और इसी कनिष्क के दरबार में बैठता था, है ना, कौन, नागार्जुन, जिसको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। है ना, इसने भाई याद रखना इसने महायान शाखा को अपनाया था, है ना। और ये भारत का आइंस्टीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने भाई एक सिद्धांत दिया था सापेक्षता का, है ना। कौन सी किताब थी इसकी, नागार्जुन की, तो इसकी जो बुक थी उसका नाम है बेटा प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो देखो इतने सारे फैक्ट हैं,
आप लोग एक क्वेश्चन में मैंने सब बता दिया आप लोगों को, है ना। ये देखो शिशु, ये शिशुनाग कौन है, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक है ये, है ना। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी थी, शिशुनाग ये एक मंत्री हुआ करता था, किसका, तो भाई हर एक वंशी शासक हुआ करते थे, कौन, नागदशक, है ना। तो भाई इस समय तक क्या था, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु की उदयन ने कर दी, उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, ये क्या कर रहे थे, अपने ही पिता की हत्या कर रहे थे। तो भाई जो भाई मगध में हर एक वंश की जो भाई जनता थी, ये भाई इन पितृहंताओं से परेशान हो चुकी थी। तो भाई इन्होंने क्या करा, एक शिशुनाग नामक अमात्य मंत्री को क्या करा भाई, राजा बना दिया, है ना। और इस शिशुनाग ने फिर शिशुनाग वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और इस शिशुनाग वंश का जो सबसे अंतिम राजा था बेटा, इसका नाम था आनंदी वर्मन, ये अंतिम था, ये पहला था, है ना। तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो तो कालाशोक था, और फिर जो सबसे अंतिम था उसका नाम था नंदीवर्मन। और इसी नंदीवर्मन की हत्या कर महानंदी ने क्या करी थी, नंदवंश की स्थापना करी थी, है ना। महानंदी को एक दासी पुत्र महापद्मानंद ने क्या करा था, मार दिया था, उसका वध कर दिया था, है ना। महापद्मानंद जो कि सबसे शक्तिशाली था मगध में, उसको एक क्षत्र पृथ्वी का राजा कहा जाता था, एकारट कहा जाता था, परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता था, है ना। तो ये याद रखो आप लोग। और इसी महापद्मानंद के फिर आठ छोरे हुआ करते थे, है ना, जिसमें आठवें नंबर का छोरा था जिसका नाम राजा घनानंद हुआ करता था, है ना। ऐसे आठ छोरे थे, आठ नहीं पूछेंगे आप लोगों से, पर मैं थोड़े से बता देता हूं कौन कौन से थे। तो एक पांडुक हुआ करता था, पांडुक, एक पांडुगति, एक भूतपाल, एक राष्ट्रपाल हुआ करता था, एक गोविशाणक था, एक दस सिद्धक हुआ करता था, एक केमूर्त हुआ करता था, है ना। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ये आठवें नंबर का था कौन, घनानंद, है ना। तो ये मगध में सबसे अंतिम राजा था, किस वंश का, नंद वंश का। और ये सभी के सभी किसके पुत्र हैं, तो ये सभी के सभी है महापद्मानंद के। और महापद्मानंद ने किसकी हत्या करी थी, तो महानंदीन की। महानंदी ने किसकी करी थी, तो आप लोग याद रखना शिशुनाग वंश में जो अंतिम राजा था इसकी, ठीक है। तो ये याद रखो, महानंदी ने स्थापना करी महापद्मानंद, इसको एक छत्र पृथ्वी का राजा कहा जाता है ना, एक छत्र पृथ्वी का राजा, एकारट उपाधि हुआ करती थी, एकारट परशुराम का अवतार माना जाता था। और इतिहास में इसी के आठ पुत्रों का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है, और इन आठ पुत्रों में जो सबसे थोड़ा पावरफुल घवंडी टाइप का था वो घनानंद था। इसी घनानंद को पराजित करा था किसने, चाणक्य ने, किसकी सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य की। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य को फिर इस घनानंद का नाश करके क्या बनाया था भाई, मगध का राजा बनाया था। और उसी मगध पर फिर एक नया राजवंश आया था जिसको हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं ना। तो बेटा इन सबको यदि डिटेल में पढ़ना है तो आप लोगों को एमपीपीएससी 2023 के लिए बेटा दीप्ति सिंह एकेडमी का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, दीप्ति सिंह एकेडमी का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा, है ना। और यदि आप लोगों को इसकी यदि पीडीएफ चाहिए, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को वहीं पर क्या हो जाएगी बेटा, मिल जाएगी, है ना। तो ये याद रखें थोड़ा सा। चलिए, ग्रीक लेखों में किसे अग्रमीस कहा गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अग्रमीस किसको कहा गया, है ना। हु वाज द कॉल्ड अग्रमीस बाय ग्रीक राइटर्स, है ना। अग्रमीस किसको कहा जाता था, है ना भाई, अजातशत्रु को कहा जाता था, कालाशोक को कहा जाता था, महापद्मानंद को कहा जाता था, या फिर आप लोगों के घनानंद को कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो देखो जो ग्रीक लेखक थे इसमें अग्रमीस के नाम से जाना जाता था बेटा, राजा घनानंद को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजा घनानंद जो कि अंतिम राजा हुआ करते थे, है ना। चलिए, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, है ना। भारत में अब विदेशी आक्रमणों की शुरुआत हो चुकी थी, तो आप लोगों को बताना है भारत में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो हकमनी वंश के राजाओं के द्वारा किया था, है ना। तो किसने करा था बेटा वो बताना है आप लोग, कौन थे वो, यूनानी थे, ईरानी थे, शक थे, या फिर कुषाण हुआ करते थे।
तो देखो प्राचीन भारत पर जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण था वो अकमनी वंश के राजाओं ने करा था। और वो सभी के सभी कौन हुआ करते थे बेटा? तो सभी के सभी ईरानी हुआ करते थे, ईरानियों के द्वारा किया गया था। फिर भारत पर दूसरा भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट ने करा, सिकंदर ने, तो वो यूनानी हुआ करता था, है ना। फिर आप लोगों के कुषाण आए, शक आए, पल्लव, और ये इस तरीके से आते गए। फिर बाद में आप लोग देखोगे तो भाई इसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल आए, मुगलों के बाद भाई अंग्रेज आ गए, है ना। तो इस प्रकार से हमारे भारत पर लगातार विदेशी आक्रमणों से सामना करना पड़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर क, ठीक है, ईरानियों द्वारा। चलिए, ईरान के हकमनी वंश के, हकमनी वंश ये सबसे पहले आक्रमण करता है। हकमनी वंश के किस शासक ने भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्या कर लिया था बेटा? बना लिया था, है ना। तो ईरान में जो हकमनी वंश था तो वो सबसे पहले भारत के ऊपर आक्रमण करता है। तो ईरान के हकमनी वंश का वह कौन सा राजा था जिसने क्या करा था, भारतीय प्रदेशों में प्रवेश किया था और भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसको अपने प्रांत का, मतलब अपने फारस का 20वां प्रांत बना लिया था, है ना। तो वो कौन हुआ करता था? कुरुश हुआ करता था, दारवायु हुआ करता था, जरक्सिस हुआ करता था, या दारवायु त्रति हुआ करता था, है ना। तो ईरान में आप लोग याद रखिएगा, ये जो ईरानी थे इनमें जो दारवाई हुआ करता था, जिसको दारा प्रथम के नाम से हम लोग जानते थे, तो ये पहला ऐसा भाई अकमनी वंश का राजा हुआ करता था जिसने क्या करा था भाई, भारतीय भूभाग खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीत कर इसको क्या करा था, फारस का साम्राज्य का उसको 20वां हिस्सा बना लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद बेटा, जय हिंद। दारवाही, चलिए आप बताओ बेटा, झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था, है ना। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध जो वितास्ता का युद्ध हुआ था, है ना, ये किस किस के बीच हुआ था, है ना। हाँ भाई, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस निकेटर के बीच हुआ था, है ना, घनानन और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, ये सिकंदर और राजा आम्बी के मध्य हुआ था, है ना। चलिए, तो ये जो युद्ध है ये आप लोगों को बताना है ना, किस किस के बीच हुआ था। तो देखो आप लोग कमेंट करें इसमें एक बार जल्दी से, अवंती और छेदी। चलो बेटा, चलो चलो बेटा समझो इसको ध्यान से थोड़ा सा, है ना। देखो इधर भाई, झेलम नदी के किनारे जो प्रसिद्ध वितास्ता का युद्ध हुआ था बेटा, ये हुआ था आप लोगों के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में, ना। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन, क्योंकि ये जो सिकंदर ने ये वाला नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सिकंदर ये राजा आम्बी जो था ना, ये तक्षशिला का राजा हुआ करता था, है ना। तो इसने तो क्या करा था, अम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और है ना, मतलब ये राजा आम्बी है जिसने क्या करा था भाई, सबसे पहली बार इस सिकंदर को भारत आने का रास्ता बताया था, है ना। तो ये बात यदि सत्य हो जाए तो बेटा ये राजा जो आम्बी है, इस राजा आम्बी को भारत का सबसे पहला देशद्रोही माना जाएगा जिसने किसी विदेशी को क्या करा था, भारत आने का रास्ता बताया था। ये अपने भारत का सबसे पहला भाई देशद्रोही है राजा आम्बी, है ना। ये तक्षशिला एक भाई आप लोगों की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान में, यहीं के राजा हुआ करते थे, यहीं पर आप लोगों के चाणक्य जो थे ये गुरु जी थे हमारे, जैसे भाई मास्टर जी थे, पढ़ाते थे आप जैसे बच्चों को, है ना। तो आप लोग याद रखो यहीं के राजा थे राजा आम्बी, है ना। जब भाई सिकंदर जो था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीत रहा था, है ना, खासकर आप लोग देखोगे ये भारत, भारत में उस समय मगध हैगा, पावरफुल है, मगध में भाई नंद वंश का शासन चल रहा था, है ना। और इसके राजा थे घनानन, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो ये भाई काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, आरा कोशिया, ज्वेड्रोशिया, पेरिपोनसदाई, इन क्षेत्रों पर, मध्य एशिया के लगभग बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार हो गया था किसका, सिकंदर का।
सिकंदर भाई भारत पर आक्रमण करने वाला था। भारत पर भाई सत्ता मगध में नंद की थी और नंदवंश के शासक हुआ करते थे घनानंद। अब यहाँ पर भाई पाकिस्तान में भाई जो तक्षशिला था, यहाँ तक्षशिला के राजा हुआ करते थे कौन? आम्बी। तो भाई जैसे ही इन क्षेत्रों को जीतकर तक्षशिला की तरफ बढ़ा कौन? भाई सिकंदर। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, डर गया होगा राजा आम्बी तो, है ना। तो राजा आम्बी ने भाई वही घुटने टेक दी, वही तलवार रख दी थी अपनी सिकंदर के सामने। तो भाई क्या कर रहा था भाई राजा आम्बी, ये इसने भी सिकंदर को बोला था कि ये रास्ते से जाओ, भारत मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से क्या होता है, सिकंदर फिर भारत में खिबर दर्रे को पार करते हुए इंडिया में इंटर करता है। तो यदि ये बात सत्य हो जाए इतिहासकारों के द्वारा, तो भारत का जो सबसे पहला देशद्रोही वो कौन है? तो ये माना जाता है राजा आम्बी को, है ना। तो इसमें याद रखना ये कौन है, भारत का प्रथम देशद्रोही। और यदि आप लोगों से पूछे भारत का सबसे पहला गद्दार इंसान कौन है जिसने धोखा करा था, बताइए आप लोग कोई कमेंट करके, भारत का प्रथम गद्दार कौन है? तो गद्दारी करी थी वो व्यक्ति था आप लोगों का कौन, कन्नौज के राजा, है ना, यानी कि संयोगिता के पापा पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी, नाम तो उनका राजा जयचंद, इसको कन्नौज के राजा हुआ करते थे, है ना। और इसी के पास से भाई भगा के ले गए थे लड़की को कौन, आपके पृथ्वीराज चौहान, क्या पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं इनको, है ना, राय पिथोरा भी कहा जाता है इनको, ही दल पंगुल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। इन्होंने क्या करा था भाई कन्नौज से, भाई राजा जयचंद की जो पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, संयोगिता को क्या करा था भाई इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज से उठाया था और फिर अपने कहाँ ले गए थे, घर ले गए थे। तो ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से, जालिम है सितम मगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा तुझको मेरी दुल्हन, ले जाऊँगा कहीं दूर इस शहर से, तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से। और लुगाई को उठा के लिया, और इसी के चक्कर में वही दिल्ली सल्तनत स्थापित होगी। कैसे होगी, क्या होगी, इसके लिए आप लोगों को बेटा पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी जो भाई थोड़ा बहुत दिमाग में बढ़िया ये बातें बता दी, है ना। राजा पोरस, तो देखो इधर आक्रमण करा, फिर भाई पंजाब में राजा पोरस थे, ये काफी पावरफुल थे, है ना। तो सिकंदर के मध्य युद्ध होता, हालांकि राजा पोरस की हार हो जाती है, बट सिकंदर राजा पोरस से काफी प्रभावित होता है, तो जीते हुए क्षेत्र थे ये क्या हो जाता है, दे देता है। और पोरस विजय की उपलक्ष में, है ना, आप लोग याद रखना सिकंदर जो था इसने दो नगर बसाए थे, है ना, एक बुकाफेला और एक निकैया, है ना। निकैया नगर जो था ये राजा पोरस पर जब विजय प्राप्त करी थी पंजाब के ऊपर तब बनाया था इसने। और ये जो बुकाफेला है ये सिकंदर का प्रिय घोड़ा हुआ करता था। तो सिकंदर के प्रिय घोड़े की जब डेथ हुई थी तो भाई उसने बुकाफेला नामक एक नगर बसाया था, दोनों ही जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब इधर आ जाओ, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, कोई वर्णन नहीं मिलता हम लोग को चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य। तो चंद्रगुप्त ने जब घनानंद को पराजित करा था तभी जाकर तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य स्थापित करा था। और यहाँ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करा था तो सेल्यूकस निकेटर के साथ भाई कुछ संधियां कर ली थी, जैसे भाई सेल्यूकस की एक छोरी थी हेलेना, तो ये हेलेना ने विवाह कर लिया था किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो भारत का जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह समझौता हुआ था, किसी विदेशी लड़की के साथ यदि भारत के किसी राजा ने शादी लव मैरिज करी थी तो वो थी हेलेना, सेल्यूकस की छोरी थी। भाई हार गए थे सेल्यूकस, ये सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। दूसरा, इसी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था मेगास्थनीस को, और इसी मेगास्थनीस ने इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए पाटलिपुत्र में क्या करा था भाई, एक पुस्तक की रचना करी थी इंडिका, जिसमें हम लोगों को मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, मौर्यों के प्रशासन की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आर्या बेटा समझ में, आर्या हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दो। चलो बेटा समझ में आ रहा है, चलिए।
चलिए, पोरस और सिकंदर के बीच। नेक्स्ट है, चलो बताओ आप लोग भाई, कौन किस वंश का था भाई? राजा बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के थे, बिंदुसार, बिंदुसार भाई मौर्य वंश के थे, कालाशोक, कालाशोक भाई किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था, और महापद्मानंद नंद वंश का, मतलब पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, तीसरा तीसरा। हाँ ठीक है, बिंदुसार दूसरा, तो दूसरे का दूसरा, दूसरा और दूसरा, फिर कालाशोक था शिशुनाग वंश का, मतलब तीसरे का चौथा, ठीक है भाई, और चौथे का पहला, है ना, चौथे का पहला, मतलब ये ऑप्शन नंबर जो ख है ये क्या हो जाएगा आप लोगों का सही, 3, 2, 4, 1, है ना। ये आपको एक साइड तो राजा दिए हुए हैं, राजा बिंबिसार जो है बेटा ये भाई हर्यक वंश के शासक हैं, उसके बाद बिंदुसार है ना, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहेगा, है ना, और कालाशोक, तो ये भाई कालाशोक आप लोगों का भाई शिशुनाग वंश का आएगा, है ना, कालाशोक, और आप लोगों का महापद्मानंद तो ये नंद वंश का आएगा। आ गया, चलिए, तो 3, 2, 4, 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों में चार को सर्वशक्तिमान माना गया, ये चार जनपद कौन कौन से हैं बताइए आप लोग? इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 5 दे रखे हैं, है ना, बट आप लोगों को इसमें चार बताना है कि चार महाजनपद कौन कौन से थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली हुआ करते थे ना, और क्यों हुआ करते थे बेटा, इसके लिए आप लोगों को फुल मैं अभी यहाँ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ के राजा फिर आपस में किस तरीके से भिड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला याद रखना ये हुआ करता था मगध, दूसरे नंबर पर याद रखना कौशल हुआ करता था, तीसरा याद रखना ये आप लोगों का सॉरी तीसरा हुआ करता था अवंती, और चौथा याद रखिए आप लोग वत्स, है ना, कौशाम्बी का कोई जिक्र नहीं, तो आप लोग याद रख लो मगध, फिर कौशल, फिर अवंती, फिर वत्स, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए, सूची एक को सूची दो से क्या करना है आप लोगों को सुमेलित, यहाँ पर आप लोगों को कुछ महाजनपद दिए हुए हैं और यहाँ पर कहाँ पर है वर्तमान में स्थिति कहाँ है, तो ये आप लोगों को बतानी है, तो जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा। पांच,
जिनको विष्णुगुप्त कहा जाता है ना, कौटिल्य भी नाम हुआ करता था, चाणक्य से उत्पन्न थे इसलिए चाणक्य बोलते थे, अर्थशास्त्र की रचना करी थी। देखो बेटा ये रहा था अपने भारत में 19 महीने तक, तो करेक्ट आंसर है इसका आप लोगों का मी। चल फिर सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, है ना, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो बेटा सिकंदर ने भारत पर बेटा कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया था, है ना, तो ये याद रखे 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व इज द करेक्ट आंसर है ना। चलिए चलिए और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी दीजिए। पश्चिमी भारत में खरुष्टी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के आने के बाद हुआ, खरुष्टी लिपि यानी कि आधुनिक आप लोग बोल सकते हैं वो जो उर्दू लिपि होती है ना इसको खरुष्टी कहा जाता है ना, तो भाई ये पश्चिमी भारत में खरुष्टी लिपि जो है, जैसे पश्चिमी भारत आप लोग देखोगे पाकिस्तान वाला जो एरिया आज भी यहाँ पर खरुष्टी लिपि का प्रचलन है, अशोक के अभिलेख भी वहाँ पर आप लोग देखोगे तो खरुष्टी लिपि में पाए गए, अरमाइक लिपि में भी पाए गएंगे, भारत के अधिकांश भागों में संस्कृत हम लोगों को देखने को मिलती है, तो पश्चिमी भारत में जो खरुष्टी लिपि का जो प्रचलन था ये किनके संपर्क में आने से हुआ था, तो आप लोग याद रखना ये ईरानी लोग जो भारत में आए थे तो उनके संपर्क में आने से हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा ये क्या हो जाएगा आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, ईरानियों के संपर्क में आने के बाद। चलिए नेक्स्ट है बताना आप लोगों को, हर्यक वंशी शासक अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, है ना, तो 8वें वर्ष है ना अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष कुछ नहीं हुआ था बेटा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निर्वाण है ना, तो लिखा है क्या कहीं, ये लिखा है ना, तो ये करेक्ट आंसर है आप लोगों का, गौतम बुद्ध को भाई 29 साल की उम्र में तो घर छोड़ा था, 6 साल कठिन तपस्या करी, हो गए 35 साल के, है ना, तो 35 साल में कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो एक दोहा बताया था मैंने आप लोगों को कि गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, है ना, तो बोध गया में है ना, कहाँ पर, बोध गया उत्तर प्रदेश में, बोध गया है ना, तो बोध गया में ही गया प्यार में आता है ना, तो बोध गया में इनको पीपल वृक्ष के नीचे, कौन से पीपल वृक्ष के नीचे क्या मिला था इनको, ज्ञान यानी कि इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, इनको एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है, एनलाइटमेंट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को, है ना, तो भाई जिस समय अजात शत्रु राजा बना था तो राजा बनने के 8वें वर्ष में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना, तो 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर, सॉरी ऋषिपालिका नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वो फिर बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था बेटा। चलिए अब ये लो थोड़ा सा भाई खतरनाक सवाल है, खतरनाक बोले मतलब कि इसमें लो समय पूछ लिया आप लोगों से, है ना, तो आप लोग चलिए जल्दी से भाई समय बताइए इसका, भाई की बिंबिसार का समय क्या है, अजात शत्रु का क्या है, कालाशोक का क्या है, और आप लोगों का भाई कुदाइन का क्या है ना? देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखो बिंबिसार का जो समय था बेटा ये था 545 से 493 ईसा पूर्व, है ना, इसके बाद आप लोग देखोगे अजात शत्रु, तो अजात शत्रु बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आया तो 493 से 461, ठीक है, इसके बाद 461 में भाई अजात शत्रु के बाद उदयन बैठा था, है ना, तो आप लोग भाई देखोगे कालाशोक, है ना, तो कालाशोक का जो समय था कालाशोक का समय क्या ये और उदयन का समय ये, सॉरी हाँ उदयन का कालाशोक का समय ये और उदयन का ये, ठीक है, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 2134, 2134, ठीक है, 2134 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए, भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत, ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत होता है रोमक और पॉलिश,
किससे ग्रहण किया था, है ना? भारत में जो ज्योतिष शास्त्र है, ये पहली बात तो किसकी देन है? ईरानियों की देन है, यूरानियों की देन है, कुषाणों की देन है, या फिर शकों की देन है? क्योंकि ये लोग जब भारत पे आएंगे तभी तो वही क्या करेंगे, भाई ज्ञान बांटेंगे। तो ज्योतिष का जो ज्ञान था ये किससे सीखा था? तो बेटा ये भारत को देन है ईरानियों की, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर क, यानी कि यूनान। यूनानी लोगों ने सबसे ज्यादा भारत पर भाई आक्रमण करे थे, है ना? थोड़ा सा ये याद रखो, यूनानियों ने। चलिए, सिंध के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रतमुसूल और महाशिला कंठक नामक गुप्त हथियारों का क्या किया था, प्रयोग किया था, है ना? तो मगध पर भाई आप लोग याद रखिएगा, है ना? ये जो अजातशत्रु था इसने क्या करा था, जब वैशाली को अपने नियंत्रण में रखना चाहा था तो वैशाली में इसने अपने मामा के विरुद्ध ही क्या करा था, रथमसूल और महाशिला कंठक जैसे हथियारों का उपयोग करा था, ठीक है? और ये जो आप लोग बाहुबली मूवी देखते ना, तो इसमें ये दोनों हथियारों का प्रयोग किया गया है ना, एक रथमसूल और एक महाशिला कंठक। देखा होगा बाहु को पत्थर बांधता है और छोड़ता आएगा, है ना, उसमें फिर आग लगा देता है। और एक वो बल्लाल को देखा होगा, वो गाड़ी पर बैठ के पर 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 घुमाता रहता। तो जो पत्थर वाला ना उसको रथ मसूल बोलते हैं, मसूल मतलब पत्थर, और महाशिला कंठक मतलब बड़ी बड़े पत्थर वाला, यानी कि बाहुबली वाला, ठीक है? तो एक याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर है ए। इसके बाद मौर्य कालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी बेटा निम्न में से किस स्रोत द्वारा प्राप्त होती है ना? तो मौर्य काल में बेटा सबसे ज्यादा जो भाई जानकारी है हम लोगों को किससे प्राप्त होगी, तो भाई मौर्य काल के राजाओं ने पता होना चाहिए, थोड़े उनके कामकाज पता होना चाहिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है भाई, है ना? इसके अलावा इसके बाद बिंदुसार है, फिर अशोक है, अशोक 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 को देखो, अशोक के जो अभिलेख थे बेटा, है ना, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल करी थी, है ना, 1837 में। तो आप लोग याद रखना, अभिलेखों के माध्यम से सबसे ज्यादा हम लोगों को मौर्य काल के बारे में बेटा जानकारी मिली, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भाई वृषल शब्द, वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का, है ना? तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का यूज किया गया? तो बेटा वो वृषल शब्द का यूज करा था एक व्यक्ति ने, इसका नाम बता देता हूँ मैं, विशाख दत्त। और विशाख दत्त की ही इनमें से कोई ना कोई सी एक पुस्तक है ना? तो कौन सी पुस्तक है वो इसका करेक्ट आंसर, है ना? तो विशाख दत्त कृत, यानी कि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, है ना? तो मुद्रा राक्षस में भाई चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि निम्न कुल से उत्पन्न हुआ माना है ना। जैसे आप लोग जैन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें भाई इसकी मम्मी मूरा से उत्पन्न होने के कारण ये मौर्य कहलाते हैं, है ना? मोर पालने वाले मुखिया को भाई मौर्य कहा गया था, तो ऐसा आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। बट वृषल शब्द का जो उपयोग है ये सबसे पहली बार हम लोगों को देखने को मिलता है मुद्रा राक्षस में। तो ये मुद्रा राक्षस के लेखक है, ये भी आप लोग थोड़े से याद रखना कौन है, तो ये भाई विशाख दत्त। विशाख दत्त ने क्या करी थी, मुद्रा राक्षस की रचना करी थी। ऐसे ही कौटिल्य, कौटिल्य में आप लोग याद रखे ना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बता दो भाई जल्दी से। कौटिल्य की भाई पुस्तक है ना, इसका नाम है अर्थशास्त्र, जो भाई राजनीति विज्ञान पर लिखी गई एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं इसका, है ना? हो सकता है उस समय राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र का एक विषय रहा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है बेटा कौटिल्य की, जो पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखे जाने वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको पांडुलिपि बोला जाता है। तो ये जो पांडुलिपि की खोज है, मतलब जो ओरिजिनल अर्थशास्त्र है ना, तो उसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बता दो आप, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलिए, नहीं पता, उनका नाम है पंडित आर राम शास्त्री, है ना? पंडित आर राम शास्त्री, है ना भाई? मैसूर लाइब्रेरी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने ही कौटिल्य कृत पांडुलिपि खोज
करी थी अर्थशास्त्र की, है ना। तो करेक्ट आंसर ये तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मुद्रा राक्षस, है ना। ये लेखक के विद्यागदा से इन्होंने वृषल शब्द का यूज किया। फिर यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, तो आप लोग याद रखना यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स की उपाधि दी गई है ना, सेंड्रोकोट्स के नाम से इसको जाना जाता था। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जय हिंद बेटा। नेक्स्ट भाई, 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध संधि के बाद सेल्यूकस ने कुछ प्रांत थे उस पर अधिकार कर लिया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए गए थे। निम्न में से कौन सा असत्य, ये बताना है ना, कांदुल, कंधार, हेरात या बामियान, है ना। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो भाई सेल्यूकस ने युद्ध हारा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो दे दिए थे कुछ, बट कुछ ऐसे थे इनमें से एक ऐसा आएगा जो भाई गलत है, ये नहीं दिया था। तो ये आप लोगों को क्या बताना है बेटा, इसका आंसर देना है ना। तो आप लोगों को याद रखना, ये जो बेटा बामियान क्षेत्र है ना, वर्तमान अफगानिस्तान में आता, तो ये क्षेत्र ने दिया था। तो ये काबू, ये कांदुल नहीं है, काबुल है ना। तो काबुल हुआ, कंधार हुआ, हेरात हुआ, मकरान हुआ, है ना, ये क्षेत्र दे दिए थे, बामियान एरिया नहीं दिया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म में दीक्षा ली थी, है ना। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य भाई मगध का राजा था, तो भाई इसने क्या करा था, भाई जीवन के अंतिम दिन चल रहे थे, तो भाई मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था, और उस भीषण अकाल की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था, भाई जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और एक जैन आचार्य हुआ करते थे भद्रबाहु, उनके सानिध्य में दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला यानी वर्तमान में कर्नाटक चले गया था, और वहीं पर संलेखना विधि के द्वारा क्या हुआ था, अपने शरीर का त्याग कर दिया था। संलेखना यानी कि जैनियों की एक ऐसी विधि होती है जिसमें अपने उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है ना। तो जीवन के अंतिम दिनों में इसने जैन धर्म को स्वीकार करा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा, अशोक ने किस के सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण करा था, है ना। तो आप लोगों को बताना है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, है ना, इसके प्राइम मिनिस्टर चाणक्य हुआ करते थे, तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मगध का राजा बना था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, वो राजा बना, फिर अशोक बना था राजा। तो अशोक का आप लोगों को आंसर देना है ना, कि किसकी सहायता से बना था, भाई चाणक्य की सहायता से बना था। जी हाँ क्या बोल रहे, नहीं बेटा, चलिए देखो बेटा याद रखना, इसमें आप लोग कमेंट करो, इधर भी कमेंट करो बेटा, चाणक्य नहीं बेटा, टीना चौहान गलत जवाब दे रहे हो बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आप लोग याद रखना, राधा गुप्त, है ना। तो राधा गुप्त के सहयोग से जो अशोक था ये क्या बना था बेटा, राजा बना था, है ना। चाणक्य जो था ये चाणक्य का प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। पर ये जो खल्लाटक है, ये खल्लाटक बिंदुसार का भाई प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और ये जो राधा गुप्त था ये अशोक का हुआ करता था, है ना। तो तीनों ही बाप बेटों को याद रख लो थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, राधा गुप्त इज द करेक्ट आंसर। चलिए, किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है, बताओ। ये नए क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों को नहीं मिलेंगे, है ना। बताओ आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या, किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी यशोमती का नाम हम लोगों को बेटा देखने को मिलता है। है ना, तो आप लोग याद रखना, अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, बृहत कथा कोश में, है ना, महीपरी निम्बा नसुत में मिलता है। तो आप लोग याद रखिए, जो चाणक्य की पत्नी यशोमती है ना, ऐसा बोलते थे, इसका उल्लेख हम लोगों को किस में मिलता है देखने को, बृहत कथा कोश में, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी जो सी है,
यानी कि ग है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बिंदुसार के शासनकाल में किस प्रांत में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, है ना बेटा? जब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था उस समय जो अशोक जो बेटा था वो अवंती उज्जैनी का राज्यपाल था, है ना? बट बिंदुसार के शासनकाल में जो प्रांतीय अधिकारी हुआ करते थे इन्होंने भाई विद्रोह फैला रखा था। तो भाई आप लोगों को बताना है किस प्रांत में विद्रोह था और दबाने के लिए अशोक गया था, है ना? सबसे पहले तो बिंदुसार ने क्या करा था भाई, अपने बड़े बेटे सुषिम को भेजा था, सुषिम विद्रोह को दबा नहीं पाया था, फिर अशोक को भेजा था, तो अशोक ने क्या करा था भाई, उसका दमन कर दिया था। तो जगह कौन सी थी वो पूछा आप लोगों से, जल्दी बताइए। वेरी गुड, टीना चौहान का आ चुका है। चलिए ए, रेखा गौर का भी आ चुका है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा ये करेक्ट है, तक्षशिला, है ना? बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ था, तक्षशिला के जो प्रांतीय अधिकारी थे इन्होंने काफी अत्याचार मचा रखा था। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को पता होगा बिंदुसार की 16 लुगाइयां थी भाई, और 16 लुगाइयों से इसको 101 पुत्र प्राप्त हुए थे, है ना? जिसमें से भाई अशोक जो था ये विजयी रहा था, क्योंकि इसने क्या करा था उत्तराधिकारी युद्ध में अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, है ना? दो भाई बचे थे, एक अशोक खुद और एक छोटा भाई जिसका नाम तिस था। तो इसने अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करी थी। अब क्यों करी, कैसे करी, कहाँ कहाँ करी, कैसे, क्या, सब डिटेल पढ़ना हो तो बेटा एप्लीकेशन पे आप लोगों को आना पड़ेगा ना, वहां मैंने बहुत डिटेल में बताई है चीजें। चलिए, यूनानियों में किसको अमिनोचेट्स कहा गया, है ना? अमिनोचेट्स के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, है ना? अमिनोचेट्स है, अमिनोचेट्स के नाम से अशोक को बोला जाता है, बिंदुसार को, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अमिनोचेट्स है ना बेटा, तो अमिनोचेट्स के नाम से जाना जाता था बेटा किसको, बिंदुसार को, है ना? बिंदुसार है ना, एक भाई जब पैदा हुआ था अपनी माँ दुर्धरा से, तो बेटा इसके माथे पर एक विशाल बिंदु था, तो चाणक्य ने इसका नाम धर दिया था कि आज से थारो नाम भाई बिंदुसार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चले बेटा, तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? और बेटा ये आप लोगों का एक अप्लीकेशन है, कौन सा, दीप्ति सिंह एकेडमी, इसको आप लोग फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और ये वाला हमारा जो चैनल है एमपीपीएससी डीएसए का, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। आप लोग जो अभी वर्तमान में क्लास देख रहे हैं ये भी इसी चैनल पे देख रहे हैं, तो यदि नहीं कराओ, यदि आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब तो आप लोग कर लें, क्योंकि अभी आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा बेटा इसकी यदि आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो ये आप लोगों को बेटा यहाँ पर दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, यहाँ पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएं और यहाँ पर जाकर क्या कर लें भाई, इसको डाउनलोड कर लें, प्रिंटआउट निकालना है प्रिंटआउट निकाल लें, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये टेलीग्राम चैनल है बेटा, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है ना, तो सभी कर लो बेटा। आप लोगों को यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट क्या होती है मिलती रहती है। तो हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और ये एक बेटा 75% स्पेशल ऑफर्स के साथ अभी एक कोर्स लॉन्च हुआ है, कौन सा, एमपीपीएससी का, जिसमें तो अभी फीस जो 10,000 के आसपास थी ये मात्र 1200 रुपये में, इसमें एक साल की वैलिडिटी के साथ में आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहेंगे। एमपीएसआई ये आने वाली है, ये आ चुकी है एमपीपीएससी पीरी की, तो एमपीएसआई का 888 में बेटा इसमें भी एक साल की वैलिडिटी है, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस 599 में यहाँ पर एक साल लाइव रिकॉर्डेड, सब एक साल के लिए लाइव और रिकॉर्डेड, जी चाहे जितनी बार देखो भाई, जितने नोट्स बनाना हो बनाते रहो। और ये आप लोगों का पीबी फाउंडेशन, मेरे हिसाब से ये बढ़िया कोर्स है, 911 रुपये में, इसमें आप लोगों को सभी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे हिस्ट्री पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, पॉलिटी पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स पढ़ना, जो भी सब्जेक्ट रहते हैं सभी की सभी। यही सीटेट का यदि कोर्स लोगे तो बेटा ये 699 का है, वर्ग दो का 999 का आएगा, वर्ग तीन का 599 है, और महिला पर्यवेक्षक 888 है। सबकी वैलिडिटी बेटा एक साल है, सब लाइव क्लासेस हैं, और पहले ही यदि और जल्दी करना चाहते हो तो रिकॉर्ड फॉर्म में भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, है ना? तो इसके लिए करना क्या है, तो ये बेटा ऑफिशियल एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी का, इसको डाउनलोड कर लो और यहाँ पर अपनी रेटिंग भी करो कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है ना।
तो आप लोग कर सकते हैं दीप्ति सिंह एकेडमी को डाउनलोड। यहाँ पर आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल सकती है, करंट अफेयर मिल जाएगा, फ्री क्विज मिल जाएगी, ये लाइव क्लासेस आप लोगों की चल रही है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और महिला पर्यवेक्षक की बुक है ना जो अभी 399 में आप लोगों को दोनों मिल रही है। तो ये भी आप लोग भाई ऐसे यहाँ आकर नहीं ले सकते, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उसको भाई ऑर्डर कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये आप लोगों की मध्य प्रदेश की सबसे विश्वसनीय टीम है बेटा, जो लगातार आप लोगों के लिए भाई बहुत मेहनत कर रही है और लगातार आप लोग इनके संरक्षण में गाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बेटा हम लोग यहीं पर एंड करते हैंगे। तो जाते जाते आप लोग बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और इसी तरीके की वीडियो यदि आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।